युद्ध को लगभग 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं और ऐसी घड़ी आ गई है जब ट्रूस की सारी जो रास्ते हैं वो विफल हो गए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात करें तो कई इलाकों में लगातार यूक्रेनी सेना आरोप लगा रही है कि जो मेडिकल टीम्स हैं उन पर फायरिंग हो रही है और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खास तौर से खेरसोन में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। और आज तक आपको इस ग्राउंड जीरो से वो जो नोवरन सोफका जो कि ग्राउंड जीरो में जीरो लाइन है, एक तरफ रूसी सैनिक है दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिक है, वहां से आपको ये रिपोर्ट देगा बताने के लिए कि किस तरह से खेरसोन जो कि कहिए एक्सिस है रूस के लिए, क्रीमिया से खेरसोन जुड़ता है ब्रिज के थ्रू और खेरसोन से पूरा दक्षिण और पूरब की तरफ कब्जा हो सकता है। इसीलिए खेरसोन से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रूस की रणनीति में बहुत केंद्र में है खेरसोन और दूसरी तरह से यूक्रेनी सेना पुशबैक कर रही है। यहाँ तक कि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने भी अपील की थी कि ट्रूस हो 4 दिन के लिए, ईस्टर का ये वक्त चल रहा है, पर धमाकों की गूंज लगातार आ रही है। आज तक आपको अब जीरो लाइन पर ले जाएगा और वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों आमने सामने हैं। कि नोवरन वोत्स्का यानी कि खेरसोन में है और खेरसोन का पूरा इलाका रूसी सेना ने कब्जा लिया है। उसके बाद से यहाँ पे खेरसोन से आगे बढ़ने की कोशिश है और यहाँ पे पीछे आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा घर जो है वो बुरी तरह से जला हुआ है। कवर देने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग गाड़ी से उतरे हैं तो एक तरीके से कवर देने की पूरी कोशिश है और आज तक की कोशिश है कि आपको दिखाए कि आखिर जीरो लाइन में किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, ह्यूमन कॉरिडोर तो नहीं हो पा रहा है, बातचीत भी विफल हो गई है और सारा जो असर है जिस तरह से वार्ताएं भी बिल्कुल एक डेडलॉक है उसका असर ग्राउंड जीरो पर इस तरह से दिख रहा है कि युद्ध स्तर पे ग्राउंड जीरो में खेरसोन में लड़ाई छिड़ी है। अब आपको दिखाते हैं कि जीरो लाइन में एक गैस स्टेशन का क्या हाल है। पूरे इलाके में आप देखिए कि गैस स्टेशन में बिल्कुल शेलिंग से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है, धमाकों की गूंज है और यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला गया अंदर घुसने के लिए क्योंकि टारगेट जो है हम लोग बन सकते हैं, इसीलिए बोला गया कि जल्दी निकलने के लिए। पहले उन्होंने बोला था 1 मिनट है हमारे पास। बाहर देखिए, बाहर का परमिंदर दिखाइए आप, हमारे कैमरामैन परमिंदर बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपको ये शूट करके दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जरूरी है आपको बताना कि जीरो लाइन क्या है। यहाँ पे ये जाबाज जो सोल्जर्स हैं यूक्रेनी फौज के, वो बाहर देखिए आप किस तरह से घरों में तबाही है और एक तरीके से लगातार रूसी सेना का कोशिश है। ये क्योंकि फ्रंट लाइन है, यहाँ से आगे बढ़े तो क्रिवेरी की तरफ बढ़ सकते हैं। बमों के धमाकों के बीच यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। हमने उनके किस्से सुने जो घर छोड़ के भाग रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो मदद का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए कि लगभग गिनती के 15 लोग होंगे इस पूरे वीरान में, सुनसान में। पीछे धमाकों की गूंज आ रही है, बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें बचाए, हम चाहते हैं कि यूरोप हमें बचाए क्योंकि हम अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। यही हकीकत है क्योंकि 5 मिलियन लोग जो हैं लगातार बेघर हुए हैं यूक्रेन में और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो ये इस बेल्ट में हुए हैं जो कि डोनबास का रीजन है, खेरसोन का रीजन है और खेरसोन का जो यूक्रेन का इलाका है वहां से हम आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे रहे हैं। जाहिर तौर पे जो लोग हैं यहाँ पे वो काफी डरे और सहमे हैं। खड़े हैं यहाँ पे
यूक्रेनी सैनिकों ने आरोप लगाया है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ। दरअसल फास्फोरस बम जो है बहुत तेज जब गिरता है उसके बाद तेजी से रोशनी करता है, एक स्मोक स्क्रीन खड़ा करता है ताकि जो फोर्सेस है वो मूव कर सके, और इसीलिए दुश्मनों पर इस्तेमाल होता है। पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इससे बहुत गंभीर जलन होती है और इंटरनेशनली ये बैंड है। ये देखिए आपकी यहाँ पे ये सफेद आपको स्मोक जैसा राख जैसा कुछ नजर आएगा, ज्यादा ही सफेद है राख से ज्यादा, और ये लोहे का कुछ इस तरह से एक कैप्सूल की तरह नजर आ रही है, अंदर कुछ भरा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ के अलग अलग इलाकों में आप देखिए इस तरफ जैसे जैसे आप इस घर में आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह यहाँ पे फास्फोरस बम जो आरोप लगाए कि ये फास्फोरस बम है। हम ये नहीं कह रहे कि ये फास्फोरस बम है, पर ये आरोप लगा रही है यूक्रेनी सेना कि जब यहाँ पे ये गिराया गया उससे जो है जो लोग यहाँ पे थे उनको बहुत गंभीर क्षति हुई। जिस तरह से यूक्रेनी सेना दुश्मनों पर नजर रख रही है, ये है जीरो लाइन। जी हाँ, जो फ्रंट लाइन कहते हैं आज तक उस फ्रंट लाइन पर है। हमारे पीछे नीप्रो नदी है, यहाँ पे दो जवान आप देखिए नजर गड़ाए बैठे हैं इस नदी पर। और ये जो मोर्चा है एक घर में ये मोर्चा बनाया गया है क्योंकि यहीं पे रूसी सैनिक पहुंच गए थे बोटों के जरिए, और ये वजह है कि उनको जवाब देने के लिए यहाँ मुस्तैदी से यूक्रेनी सेना मौजूद है। लगातार ये एक फ्रंट बना हुआ है,